और जो बोल रहे हो ना तुम लोग कि डर गए हम लोग शांत हैं, तो तुम लोग सोच रहे हो कि अब जो मन से बोल के निकल जाएंगे, तो अपना बाप को बोल देना कि एक और केस कर दीजिए पप्पा, ये लोग शांत नहीं रहेगा, पप्पा एक और केस कर दीजिए, जा बोल देना सुअर का औलाद। नमस्ते प्रणाम हर हर महादेव। इस वीडियो को दोस्तों आप लोग पूरा देखिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा, और वीडियो देखने के बाद भैया अपना राय हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। आज इस वीडियो में भैया तीन गो लॉन्चर यूट्यूबर के बारे में बात करने वाले हैं, समझे ना। उन लोगों का बाप का न्यूज आ नहीं रहा है, जब तक बाप का न्यूज आया तब तक बाप का न्यूज बनाया। अब बाप का न्यूज आ नहीं रहा तो कौन सा न्यूज बनाए, तो महेश पांडे को टारगेट करता है और हमको टारगेट करता है, समझे ना, और वीडियो बनाता है। तीन गो लॉन्चर यूट्यूबर, तीन गो लंठ जैसा बैठ जाएगा, समझे ना, और बोलेगा हमको और महेश पांडे को कि उन लोगों का शकल अच्छा नहीं है। अबे हमारा शकल अच्छा नहीं है, महेश पांडे का शकल अच्छा नहीं है, तो हम लोग का वीडियो क्यों देखते हो, बोलते हो मजा लगता है, और हम लोग का शकल अच्छा नहीं है। अबे हम लोग का शकल देख के अपना बहन का शादी कराएगा क्या हमसे। तुम लोग तीन गो है, तीनों का कम से कम दो दो गो बहन तो होगा क्या। जो तीन गो तुम लोग लॉन्चर यूट्यूबर है, इस वीडियो को शायद देख भी रहा होगा, तो तुम लोग को बोल दें तुम अपना बहन का शादी करेगा क्या, हम लोग से रिश्ता जोड़ेगा, हमारा साला बनेगा क्या तुम, हाँ साला बनेगा तो बोल देना बेटा, लेकिन हाँ बहन भी तेरा छिनारी होगा तुम्हारे जैसा, तो शादी ब्याह कैंसिल, समझा ना। जाओ किसी आंडू पांडू को खोजो जो गांजा दारू पीता हो, वही लोग तुम्हारा बहन से लोग से शादी करेगा, ठीक है भैया। हम किसी को टारगेट नहीं किए, ना ही किसी को कुछ बोले, और हम लोग शांत हैं, शांत हैं, मतलब शांत है तो ये नहीं कि जो मन से बोल दोगे और बर्दाश्त कर लेंगे, समझे ना। तुम कुछ भी अनाप शनाप बोल के चले जाओगे, हम लोग चुप रहेंगे बेशरम। तुम बोलते हमारा बाप जब से केस किया थरथरा गया है, अबे अपना बाप को जाके बोल देना एक तो और केस कर देगा, देख लेंगे हमारा का कबाड़ लेगा तुम्हारा बाप, समझा ना। बोलने पे ज्यादा मजबूर मत करो, और तुम लोग तो चाहते ही हो बे, तुम लोग तो चाहते हो, तुम लोग अपना बाप का फैन हो, हाँ तुम लोग अपना बाप का दलाल हो, समझा ना, तुम लोग कोई फैन वगैरह नहीं हो, तुम लोग तो चाहता कि हमारे बाप के बारे में लोग कुछ बोले, ताकि हम लोग को कुछ माल मटेरियल, कुछ पुर्जा मिले, कुछ न्यूज मिले, हम लोग बोले, समझा ना। तो जितने भी दर्शक इस वीडियो को देख रहे हैं, आप लोग को बता दे भैया अब मैंने बर्दाश्त से बाहर हो रहा है, समझे ना। आदमी कुछ बोल नहीं रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि अब जो मन से बोल के निकल जाएंगे वीडियो में, व्यूज पा लेंगे। महेश पांडे को तो नाम लिखवे करेगा, आज इतना गंदा तरीका से टाइटल में लिखा है महेश पांडे का नाम, यदि उस तरह को हम अभी टाइटल में लिख दें, लेकिन हम लोग उस तरह का जात नहीं है, नीच जात हम लोग नहीं है, बोलता है हम बबुआन है बबुआन ऐसे करके, अबे हमारा जैसा मुँह तुम्हारा होगा बे, देख रहे हो किस तरह निकलता, देख लो, देख रहे हो हम लोग लंठ नहीं है, समझे ना। इस तरह जो तुम लोग करते हो ना, तुम लोग लंठ का पहचान देते हो, समझे ना। और बोलते हैं हम लोग लिपस्टिक लगाते हैं, अबे हम जो चंदन लगाते होंगे ना, जो चंदन हम खरीदते हैं ना, मतलब उस चंदन का प्राइस से ना तुम्हारा एक महीने का घर का राशन चलेगा, जान जब कौन चंदन लगाते हैं, समझा बे बेशरम मोटका। एगो छछुंदर जैसा शकल है, एगो हाथी का पछवाड़ा जैसा शकल है, मतलब हाथी का शकल नहीं, हाथी का पछवाड़ा जैसा शकल है, और ऐसे 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 करके बेटा लगता है पीछे उसको ले रहा है क्या, उसके बाद ऐसे ऐसे करेगा, देखिएगा ऐसे ऐसे करते रहेगा, लगता है पीछे से उसका कोई ले रहा है क्या, समझे ना, उस तरह वीडियो बनाता है। हम किसके बारे में बोल रहे हैं, आप लोग तो समझ ही गए होंगे, आप लोग समझदार इंसान है, और जो बोल रहे हो ना तुम लोग कि डर गए हम लोग शांत हैं, तो तुम लोग सोच रहे हो कि अब जो मन से बोल के निकल जाएंगे, तो अपना बाप को बोल देना एक और केस कर दीजिए पप्पा, ये लोग शांत नहीं रहेगा, पप्पा एक और केस कर दीजिए, जा बोल देना सुअर का औलाद। लोग धन्यवाद, आई लव यू, जितने भी दर्शक इस वीडियो को देखे हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद, आई लव यू, जय श्री।